जारी सहारा इंडिया जमाकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आज बड़ी संख्या में सहारा इंडिया के एजेंट और जमाकर्ताओं ने सामूहिक रूप से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए सहारा इंडिया प्रबंध के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर FIR दर्ज करने की मांग की। सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं शहनाज जहां ने बताया कि विगत 8 वर्षों से भुगतान को लेकर वो मानसिक और आर्थिक रूप से बेहद परेशान है, लेकिन सहारा प्रबंध द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि शासन प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं करता तो आगामी 15 मार्च को बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा राजधानी भोपाल में विधानसभा घेराव किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जमाकर्ता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। की रैली निकाली जा रही है सर, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अब सारा इंडिया से, क्योंकि उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है हम लोगों के साथ। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दे दी रही कि अभी भुगतान होगा, अभी होगा, अभी होगा, ये तारीख, वो तारीख, ये तारीख, कोई तारीख नहीं आई अभी तक। यहाँ तक कि इसके अभाव के कारण बहुत सारी तो बेटियों की शादी नहीं हो पाई, कई लोग तो दवाइयों के अभाव में मर गए जिनके पास पैसा नहीं है। इसमें पैसा सबसे ज्यादा गरीब वर्ग का है। आप देखिए ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए इकट्ठा कर के इन लोगों ने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई को इसमें इकट्ठा किया था, लेकिन आज सारा इंडिया हमको चोर नजर आ रही है। आज हमारे 2000 शादी तो आत्महत्या कर चुके हैं सर जी। अगर अब हम लोग ये आंदोलन इसलिए छेड़ा है कि वो हमारे भाई सुन ले कि हम लोग आंदोलन करेंगे, अब हमको आत्महत्या नहीं करना है, किसी को लड़ाई लड़ेंगे, हमारी जंग चलेगी, अब आर या पार की लड़ाई होगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमें सरकार को हिला के रख देंगे। सरकार को सुनना होगा इसमें, हम लोगों की पीड़ा को। सरकार कहती है ना गरीबों के लिए है सरकार, ये गरीबों को जिंदा रखने के लिए, गरीबों को मारने के लिए है ये सरकार। पाल यादव, आज किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा? हम लोग जमाकर्ता और कार्यकर्ता सब सहारा प्रबंधन के विरुद्ध FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भुगतान नहीं हो रहा है अभी तक। क्या वजह है क्यों नहीं हो पा रहा? कई चक्कर हम लोगों ने सहारा इंडिया के लगाए, वो लोग बहाना बनाते रहेंगे, अब होगा ऐसा कहते परसों बीत गए, बच्चियों की शादी नहीं हो पाई, लोग मरीज होके मर गए, परंतु भुगतान नहीं हुआ हमारा, भुगतान नहीं हुआ आज तक हमारा। क्या करेंगे अब आगे आप लोग? हम लोग लगातार 15 दिन से धरना प्रदर्शन पर थे, हम आगे भी लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी 15 तारीख को हम लोग भोपाल जाकर विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, 14 मार्च को, और आज हमें FIR सहारा प्रबंधन के विरुद्ध करा रहे हैं, और लगातार ये धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे।